हाय गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीप्तिस हेल्दी प्लेट में। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं अपम रेसिपी। इसकी बहुत ही इजी एंड यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, ये ब्रेकफास्ट में भी हम कर सकते हैं, रेसिपी बहुत ही आसान है। सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में और लाइट डिनर में हम इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ मैंने लिया है पोहा एक बाउल फुल भर के। साथ में हम ले रहे हैं हाफ कप कर्ड यानी दही, और इन सब का हमें अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में क्योंकि मैं रवा अपम बना रही हूँ तो 2 बाउल फुल भर के मैंने यहाँ लिया है रवा यानी सूजी। नमक हमें ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार यानी कि सॉल्ट। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ में हमें वाटर ऐड करना है ताकि एक रनिंग कंसिस्टेंसी बन जाए हमारी। इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके, और एक रनिंग कंसिस्टेंसी हमें इन सब की बनानी है ताकि हमारा अपम रेसिपी एकदम अच्छा बने। गाइस, यहाँ मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख के ढक के इसे फर्मेंट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कोई इनो या बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें सोडियम बाइकार्ब बहुत हाई होता है जो हमारी किडनीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो यहाँ 2 से 3 घंटे मैं इसे ढक के फर्मेंट कर ले रही हूँ। लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे गाइस। इस तरीके से पैन में मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है, देखिए, और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेगा। देखिए, मैंने घी भी अभी नहीं इसमें अप्लाई किया है। थोड़ा सा मैंने फाइनली चॉप करके अनियन, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज रखा था, वो मैं इसमें ऊपर से स्प्रेड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से हम इसमें अपम में डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है हमारा अपम रेसिपी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्लेन भी इसे बना के खा सकते हैं चाहें तो, और चाहें तो इसमें अनियन कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज इस तरीके से डाल सकते हैं फाइनली चॉप करके। थोड़ा सा मैंने इसमें घी अप्लाई किया, देखेंगे बहुत ही कम तेल का यहाँ प्रयोग किया है मैंने, बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है, और ये हमारे पैन से स्टिक भी नहीं हुआ है और एकदम अलग हो गया है। बहुत ही अच्छे वे में ये लो फ्लेम पे कुक हो रहा है। हमें इसे अच्छी तरीके से सेकना है यानी कि कुक करना है दोनों तरफ से गाइस, दोनों तरफ से हमें इसे कुक करना है। लो फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा अपम है सूजी का यानी कि रवा अपम, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा गाइस, और ये सुपर सॉफ्ट भी है। इसे यहाँ मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। वो बहुत ही ईजिली बन जाती है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो गाइस, ये हमारे रवा अपम बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं, ये देखिए। तो गाइस, हमारी अपम रेसिपी बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में और बहुत ही सिंपल वे में रेडी हो जाती है, और अपने अनुभव मेरे साथ दीप्ति हेल्दी प्लेट के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ये एंजॉय करिए रेसिपी, बनाइए खाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल गाइस, बाय बाय।